हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग? आशा करते हैं सब ठीक है। तो मेरे पास जो दो एप कोड था उसका तो मैं गिव अवे कर दिया, तो दो विनर सेलेक्ट करके मैं दे भी दिया, लेकिन कम से कम 200 कमेंट आए थे, तो मैं दो एप कोड तो 200 लोग को नहीं दे सकता था। इसलिए मैंने आज ठीक किया है कि फ्लिपकार्ट से कैसे जल्दी खरीदा जा सकता है इसका एक उपाय आप लोगों को बताओ। आप लोग फ्लैश सेल में बहुत जल्दी, जब दूसरे वेट कर रहे होंगे, आप लोग खरीद सकते हैं कैसे वो चीज़। उसका एक एग्जाम्पल मैं दिखाऊंगा कि वो कैसे करते हैं। उसके लिए आप लोगों को तीन चीज़ बहुत ज़रूरी है, एक कंप्यूटर, वो डेस्कटॉप हो लैपटॉप हो कुछ भी हो, एक स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन और एक क्रोम ब्राउज़र उसमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये तीनों अगर आपके पास है तो आप लोग बहुत जल्दी रेडमी नोट 5 प्रो फ्लैश सेल में खरीद सकते हैं। जब दूसरे वेट करेंगे आप बहुत ईजिली उनको खरीद सकते हैं। तो उसके लिए जो प्रोसेस है जो आप लोगों को करना पड़ेगा वो मैं आप बताने जा रहा हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को पहले अपने कंप्यूटर पे अपने क्रोम ब्राउज़र पे जाना होगा। क्रोम ब्राउज़र के जाने के बाद आप लोगों को दिखाई देगा यहाँ पर एक ऑप्शन है जो मोर टूल्स कहलाता है। मोर टूल्स में अगर आप जाओगे तो वहाँ पर आप लोगों को दिखाई देगा एक्सटेंशन नाम का एक चीज़। तो एक्सटेंशन में जाने के बाद आप लोगों को एकदम नीचे जाना होगा, और नीचे जाने के बाद आप लोगों को दिखाई देगा गेट मोर एक्सटेंशंस ऑप्शन, उस पर क्लिक कीजिए। उस पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को दिखा देगा आप लोग क्रोम वेब स्टोर पर आ चुके हैं। क्रोम वेब स्टोर पर सर्च कीजिए फ्लैश सेल ट्रिक। सर्च करने से आप लोगों को दिखाई देगा फ्लैश सेल ट्रिक आएगा, यहाँ पर आ गया फ्लैश सेल ट्रिक, इस पर क्लिक कीजिए। और यहाँ पर आप, हमारा तो ऑलरेडी एडेड टू क्रोम हो चुका है, लेकिन आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, ऐड टू क्रोम करना पड़ेगा। ऐड टू क्रोम करने से क्या होगा कि फ्लैश सेल ट्रिक का जो ऐप है ये ऑटोमेटिक आपका क्रोम पे ऐड हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ को इस विंडो को बंद कर दीजिए और फिर और दूसरे विंडो पे फ्लिपकार्ट खोलिए। फ्लिपकार्ट खोलने के बाद आप लोग अंदर जाइए और यहाँ से अपना अकाउंट लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद अपने नाम के ऊपर आप जब क्लिक करेंगे आप लोगों को एक जगह दिखाई देगा कि माय प्रोफाइल पे जाने के बाद आप लोगों को दिखाई देगा सेव कार्ड्स। तो सेव कार्ड्स में जाइए और यहाँ पर अपना जो भी बैंक अकाउंट का कार्ड है जिससे आप रेडमी नोट 5 प्रो खरीदने वाले हैं उसको ऐड कर दीजिए, क्योंकि COD अब कभी भी अवेलेबल नहीं होगा इस सेल में, फ्लैश सेल में, वो Xiaomi ने बंद कर दिया है। तो आप लोग एक काम कर सकते हैं कि यहाँ पर से पहले ही कार्ड को ऐड कर लीजिए जिस कार्ड से आपको खरीदना है वो फ़ोन। तो जब चेकआउट करेंगे उसमें बहुत सुविधा होगा, आप बहुत जल्दी चेकआउट कर पाएंगे, क्योंकि आपको फिर से कार्ड टाइप करना नहीं पड़ेगा, आप आपका सेव कार्ड से ही सिलेक्ट कर सकते हैं जे कैसे पेमेंट करेंगे। फिर आपको जाना पड़ेगा क्रोम वेब स्टोर चले गए या फिर किसी जगह से अब होम पे चले जाइए। होम पे जाने के बाद आपको दिखाई देगा यहाँ पर एक्सटेंशन का जो बार है यहाँ पर फ्लैश सेल ट्रिक का एक साइन दिखा रहा है, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको फ्लिपकार्ट अमेजन MI टाटा CLIQ का साइन दिखा रहा है, इस पर फ्लिपकार्ट को क्लिक कीजिए। यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रेडमी नोट 5 प्रो चाहे 4GB पे बाय नाउ करने के बाद आप लोगों को दिखाई देगा रेडमी नोट 5 प्रो ब्लैक गोल्ड ब्लू हर कलर आ रहा है, तो आपको जो भी चाहिए। अगर ब्लैक पे क्लिक करके हम दिखाते हैं, ब्लैक पे क्लिक करने के बाद क्या हो रहा है, सबमिट कीजिए। सबमिट करने के बाद आप सीधे चले जाएंगे रेडमी नोट 5 प्रो का स्क्रीन में। तो फ्लैश सेल के दिन क्या होगा, यहाँ पर जो नोटिफाई मी ऑप्शन होगा ये अचानक जब टाइम हो जाएगा फ्लैश सेल का ये बाय नाउ हो जाता है। तो आपको यहाँ पर खुद जाके क्लिक करने में बहुत टाइम लग जाता है, और मोबाइल ऐप में जो करता है वो तो कभी कर नहीं पाएंगे, क्योंकि उसको क्लिक करते करते दूसरे लोग मार देता है। तो ये फ्लैश सेल ट्रिक आपका क्या काम करता है, ये ऑटोमेटिक बाय नाउ ऑप्शन में क्लिक करता जाएगा। जब भी अचानक बाय नाउ ऑप्शन आएगा ऑटोमेटिक क्लिक होकर आपको चेकआउट पेज में चला जाएगा। तो इससे क्या आपका सुविधा होगा, आपका कार्ड भी अगर सेव हो तो आप जस्ट कार्ड को सिलेक्ट कीजिए और पेमेंट कर दीजिए, ज़्यादा जल्दी से जल्दी आपका काम हो जाएगा। जब तक दूसरे लोग बाय नाउ में क्लिक करने जाएगा आप लोगों का चेकआउट भी हो जाएगा और ऑर्डर भी कंप्लीट हो जाएगा, इससे आपको बहुत सुविधा मिलेगा। आपको चीज एक क्या काम करना है कि जब पेज में आप आ जाएंगे सेल के 2 या 3 मिनट के अंदर अंदर
पेज को थोड़ा रिफ्रेश करता रहना। रिफ्रेश करने से वो जो एक्सटेंशन है वो और भी अच्छा काम करता है। यही बस आपको करना है। इसमें से ऑटोमेटिक जब बाय नाउ ऑप्शन आता है तो वो थोड़ा नीचे चला जाता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्लिक करने का जरूरत ही नहीं है। ये जो एक्सटेंशन है ये ऑटो क्लिक करता रहता है। ये बाय नाउ में ऑटो क्लिक करके आपको सीधा चेकआउट पेज में लेकर चला जाएगा। और उससे आपको सुविधा क्या होगा, आपका जो सेव्ड कार्ड है ऑलरेडी वो सेव कार्ड सिलेक्ट कर दीजिए और ऑर्डर को प्लेस कर दीजिए। इससे आप बहुत जल्दी दूसरों से बहुत पहले अपना ऑर्डर कंप्लीट कर सकते हैं। आपको दूसरा जैसा कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर वेट करने का कि कब आएगा। और जो लोग मोबाइल में करते हैं वो तो कभी कर ही नहीं पाएंगे। आपका बहुत जल्दी ऑर्डर उनसे ज़्यादा प्लेस हो जाएगा। लोगों ने इस वीडियो में देखा Redmi Note 5 Pro फ्लैश सेल में जल्दी जल्दी कैसे खरीदा जा सकता है, कितना आसानी से आप लोग खरीद सकते हैं। आपको कुछ ज़्यादा करना भी नहीं पड़ेगा, सिर्फ 3 चीज़ों से ही काम हो जाता है। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि Redmi Note 5 Pro का और भी बहुत सारा वीडियो जैसे कैमरा रिव्यू, गेमिंग रिव्यू के साथ मैं आने वाला हूँ। इससे भी ज़्यादा इस चैनल में बहुत टेक्नोलॉजी का वीडियो भी दिया जाता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो के शेयर जरूर कीजिएगा। देखने के लिए थैंक यू।